हर हर महादेव, जय गंगा मैया जी। मित्रों, आज मैंने महाराज जी से कुछ विशेष प्रश्न किया और उसी प्रश्न के बारे में आज आप सत्संग सुनेंगे। मेरा प्रश्न आज के जीवन को लेकर भी था और पुराने जीवन को लेकर भी, कि कौरवों की ऐसी क्या मति भ्रष्ट हो गई थी कि उनके पास अपार धन संपदा होते हुए, अपार राज्य होते हुए, और वो पांच गांव नहीं दे पाए। अगर कौरव या दुर्योधन वो पांच गांव दे देता तो उसके समूल वंश का नाश ना होता और वो इतनी बुरी मृत्यु को प्राप्त ना होते। और वही समस्या आज लगभग सभी घरों में चल रही है, लगभग सभी घरों में, कि एक भाई, कोई ना कोई एक भाई ऐसा होता है जो, या हो सकता है जिस घर में दो भाई हैं, चार भाई हैं, वो चाहता है मैं इसका भी खा लूं, वो चाहता है मैं इसका भी खा लूं, और अनेकों अनेक ऐसे हैं जो चाहते हैं मैं पड़ोसी का भी खा लूं, गांव का भी खा लूं, देश का भी खा लूं, दुनिया का खा लूं। तो आज की जो सत्संग है इसी विषय पर है कि उस दुर्योधन का भी उस धन संपदा से मन नहीं भरा था और उसने इतना बड़े विनाश को चुनौती दे दी। ये मति क्यों मारी जाती है इंसान की? पता दुर्योधन को भी था कि तू गलत कर रहा है, पता आज जो गलत कर रहे हैं उनको भी है कि तू गलत कर रहे है, परंतु ये मति ऐसे कैसे मारी जाती है? आज मैंने यही प्रश्न महाराज जी से किया कि स्वयं भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को इतना समझाया कि तू गलत कर रहा है, उसने भगवान की नहीं सुनी, ये ऐसी कैसे मति मारी जाती है? आज का सत्संग इसी विषय पर है, आनंद लीजिए। हर हर महादेव, जय मेरे शंभु। श्राप के मान, श्राप जो दिया, इसमें मोती पुलियम कलिजुग मार दिया सबकी। कैसे? कि ये मरा हुआ सांप जो है इसका गाल में जीत, और उसका बर्तन था बच्चन का, जिसको श्राप देगा वो होगा 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 होगा, मिथ्या नहीं हो सकता है। लेकिन जो कलिजुग में आदमी जो उछालता है, इसी में तो उछालता है कि मैं हूँ, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। एक शेर था उनके कि महाराज इतना संपत्ति मिल गई, हाँ मेरे तो भोग होगा धन, सभी लोग यही सोच होता है, धन से किसी का मन नहीं भरता है। मेरे एक गुरु भाई था, मैंने बताया आपको, उसके तीन भाई थे, दो भाई को उसने ब्रह्मचारी रहता था हमेशा, बड़े और असल था, और छोटे को नहीं जब जाता जिस दिन, तो सारी संपत्ति दोनों भाई को बांट के, वो हमारे साथ बढ़ता था, वो गुरु जी के साथ रोटी बन के रहता था, दोनों भाई का शादी करवाया, लास्ट में वो दोनों को अपना संपत्ति ले लो, झगड़ना मत, जोर जोरू जमीन, ये तीन से झगड़ा हो गया। सही, सारे संसार जो चल रहा है, देख रहा है, कोई कोई मारा रो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, इसी के पीछे तो हो रहा है। स्त्री या पैसे, तुमको कुछ ही नहीं चाहिए, अभी वो लड़का ने मेरे इतना नुकसान कर दिया, तो मैंने कहा बेटा मैंने इसको साथ में नहीं ले जाना है, आप लोग कल यहीं बना रहा हूँ, आप लोग भी बोल चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, जो आपका आपका सेकंड जनरेशन आएगा, आपका बच्चा आएगा, उसने कहा किसी ने बनाया, तीसरा पुसारे भूल जाएंगे आप। लेकिन कहने का मतलब है एक स्मृति होती है, याद है नहीं, तो ये जो रहेगा आपका ये यहीं रह जाएगा, कोई साथ में नहीं लेता है, आदमी का कर्म जाता है साथ, अच्छा बुरा। तो जो भी वस्तु संसार में है ये ज्ञान होना बड़ा ऐसे सत्संग का जरूरी होता है। ऋषि मुनि लोग हमारी सत्संग क्यों करते, शाम को हम जो घर में होते थे ना, सबका मत ही मार गए कलयुग आते ही, उन्होंने श्राप देना परीक्षित को, परीक्षित आपसे बाद में आपसे सोना, इस तरफ से बंटवारा होना, इस तरफ से होना, भगवान कह दिए ऐसा ऐसा होना, बस उसके बाद अपना सबने अपने अपना गौरव अपना खत्म कर दिया, जिंदगी इस संपत्ति के पीछे पंच पांडव उन्हें भी साथ में नहीं ले गया। लेकिन एक उदाहरण देख के गया आप लोगों को, चलो हम 1 करोड़ रुपये कमा लेंगे एक महीने, देखिए दादा ये उसके बाद क्या होगा उसका, इसको गारंटी नहीं है कि पैसा तुम्हारे पास, पैसा आजकल किसी के पास नहीं रहता है, जो लाख है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो सुखी कौन है, जानते हो आप, संतोषी, कुछ नहीं चाहिए उसका सब कुछ रहेगा। अच्छा प्रभु एक बात, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, उसमें उम्र गंवा देती है, भगवान का स्मरण नहीं हो पाता है, बाद में जो अंत मृत्यु सैया में आता है, एमराज के जब आ जाते सैया तो टट्टी पेशाब कर जाते बिस्तर में, तब मैंने इसी इन लोग को पालन भरण पोषण में अपना जिंदगी गुजार दी।
अगर मैं भगवान के भजन करता, किसका पुत्र कौन है, किसका पत्नी कौन है, उसके भाई कौन है। इसलिए शंकराचार्य के भगवान का जो प्रार्थना है माँ के पास कहा कि तातो न माता बंधु न दाता, पुत्र न पुत्री भेतो न भेता, जया न विद्या वीर्तिर्मय गतिस्तम गतिस्तम। ये कहाँ आती है सर, जहाँ भक्ति आती है। कि हम ये जो भी संसार में देखें स्थायी कोई नहीं है, अस्थायी है। हम भी चला जाए, हमारा शरीर भी चला जाएगा, लेकिन ज्ञान बराबर रखना चाहिए, अपना स्वरूप का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। आत्मा न मरता है न जलता है, जब पूर्ण ज्ञान हो। शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य खुद सबको मंदिर का स्थापना करके पंडितों को दिया सबको, भाई तुम आइए वसुदेव कुटुंब कहा ना जी जी। तो हमारे तो परिवार है तुम जी जी, खुशी खुशी से, कोई विवाद नहीं है, कोई दंड नहीं है। लेकिन आजकल जो आज मनुष्य है इतनी इतनी वस्तु के दर्द है, शायद इसका दंड करने से मिलता लोभ, लोभ लोभ से पाप बढ़ता है। वो नहीं जानता है कि मेरा भविष्य क्या होगा, और लोग पर लोग नहीं जानता। अभी यहाँ मैं यहाँ हूँ, यहाँ रह रहा हूँ, मैं तो यही सोचता हूँ मैं थोड़े दिन का मेहमान हूँ। मैं बाजार में कहता हूँ लाला जी से तो महाराज देखते देखते तो मुझे 40 साल हो गए आपका, यही कहते मैं थोड़ी देर का मेहमान हूँ, थोड़ी देर का मेहमान हूँ। मुझे 40 साल, मुझे 40 साल मेरे लिए कुछ नहीं है। एक पल मैं ध्यान लगा दूंगा, मुझे पता ही नहीं चलता है कि 40 साल कहाँ निकल गया। बाल्यावस्था, तरुण अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, चार अवस्था होती है मनुष्य का। लेकिन इसमें से बहुत लोगों का ज्ञान नहीं होता इनका, नक्षत्र ज्ञान सबके बाद मनुष्य कोई बुरा नहीं होता है आपको कोई। लेकिन संगत विवेक आदमी जो खोता है विवेक खो देता है, बुद्धि खो देता है, वो इससे अलग सड़क काम करते हैं, सत्कर्म नहीं करता है। मेरे वो तीनों भाई जो थे उसे पुत्र नहीं था, बड़े वाला भाई वो अकेले रहते थे, उनसे मैं संपत्ति उनको देकर सब लोग रोने लगे कि हमको छोड़ के जा रहा है। उनको कुछ दक्षिणा पानी दिया, अरे तुम ये दक्षिणा से मैंने कहा है जो दक्षिणा मेरे गुरु ने दिया है उसके बारे में दक्षिणा कुछ नहीं है, मैं तो लोक परलोक तिलोक तुमको भी दलूंगा। बहुत साधक थे, उच्च कोटि के साधक थे। तो उसने कहा कि तुम क्या ये भौतिक संपत्ति रहे, आप बृहदारण्य उपनिषद पढ़ना, छंदोग्य उपनिषद पढ़ना, कठोर उपनिषद पढ़ना, ये पढ़ाई लिखाई नहीं करते, पढ़ाई क्या मर्ण पढ़ाई करते हैं जिसमें विवाद खड़ा होती है। आज संसार में इतना अशांति क्यों है, विवेकहीन पुरुष है। अरे तू भी अपने मर जाएगा, ये संपत्ति यहीं धरा रह जाएगा तेरा साथ पूछे। मैंने आचार्य देखा, शास्त्री देखा, महामंडलेश्वर देखा, कोई गद्दी के लिए लड़ता है, कोई बिल्डिंग के लिए लड़ता है, कोई पाप के लिए लड़ता है। पढ़ाई किया, बहुत पढ़ाई, सरसनाचार्य आचार्य, लेकिन अंत में वही है लास्ट में कि बस पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ जाता। हमें कुछ नहीं चाहिए। आप भरत की जिंदगी देखना, भगवान राम भरत, आप उस पद पे चलेंगे कभी भी आपका विवाद नहीं होगा। भरत का मैं अधिकार हूं ही नहीं गद्दी का, गद्दी का अधिकार भगवान राम है। आपने चित्रकूट से लेने के लिए गया, देखो कितना मरीज। अगर हम रामायण भरत के मिलाप देखेंगे कभी भी आपका दंड, ये सब नहीं करते इन लोग, किसके पुत्र कौन है। अच्छा प्रभु, मेरा प्रश्न यही तो था कि ये मति ऐसे कैसे मारी जाती है कि स्वयं भगवान ने कौरवों को समझाया फिर भी वो नहीं माने, देखिए कैसे मति मारी हुई थी उनकी, तो ये कैसे ऐसे मति मारी जाती है। ऐसे कलयुग में सबका होगा, महाभारत होना था, महाभारत होना था। आप कलयुग में ऐसी सब कुछ होगा, अभी घर घर मतलब ऐसे दुशासन कंस रावण बनेगा, क्योंकि उसके लिए वही एक है विकल्प कि जैसे साटनी होता है, किसान खेत करता है, किसान खेत करने के बाद घास है, घास को करके फेंकते कवार को और धान को सुरक्षा करता है, इसी तरीके भगवान सब तैयार कर रहा है। उनका पूरा पार्टी रखा है, गोपन है अभी सही। वो अब छाटी नहीं होगा सबका, कौन कैसे है, वही आत्मा जो होता है जिसको कुछ भी नहीं चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, जिसको चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए तू ही ले ले, तू ही ले ले, ये होता है रिस्पेक्ट। भारत ने यही तो किया, भारत यही किया कि मैं इस गद्दी का अधिकारी नहीं हूं, माँ ने मेरा कैसे, देखो माँ आ गए ना, माया आ गया ना, और कुब्जा आ गया ना, मंथरा, ये माया है। भगवान ने बुद्धि कर दिया, राम को वनवास दे दिया जिसके दिन को गद्दी होना था। लेकिन ननिहाल में अगर भारत नहीं होता, यही होता तो भगवान राम को जाने नहीं देता जी। क्या इसलिए ये प्लानिंग पहले से बना हुआ है, सब उसका खेला है। अंतिम तक यहाँ गुरु जी को कहने वाला, गुरु जी आप कैसे गुरु जी हैं, सबका जन्म पत्री का बात है, भगवान आपने इतना करके इतना संपत्ति का राजपाट है,
अपन राम को देना था, हाँ, उसका राजगद्दी होना था और वनवास हो गया। ये कैसे आपका पंचांग है? तब रोते हैं कौन, फटकार दिया उसने भरत ने, तो रोते हैं विशिष्ट वशिष्ठ, कहते हैं भरत भावी प्रभाव बिले की कहो मुनि ना जन्म मृत्यु हानि अब जस अपर जस भी दिया। तो कहने का मतलब यह है आदमी सोचता कुछ हो, मैंने अभी कहा हम क्या अभी तुरंत कुछ और हो जाएगा, ईश्वर का हाथ में सब कुछ है, मनुष्य कुछ नहीं है। इसलिए सत्संग का जरूरी है, हमारी ऋषि मुनि ने कहा सुबह शाम सत्संग करो, उसके पीछे मत करो। एक ब्रह्मचारी था, मैंने कहा तुम मत जा शादी मत कर, अब शादी करेगा तो लफड़ा में पड़ जाएगा। बोले तो उसने कहा कि नहीं महाराज जी मैं विवेकानंद बनूंगा। अच्छा, बहुत बड़ी 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 उसी बात सोचता हूँ अच्छी है। लास्ट में उसने जब स्त्री देगा पागल हो गया, मोह हो गया। ये है विष्णु माया। अब ऐसे उसका बच्चा भी नहीं हुआ, नाम नहीं बताऊंगा, बच्चा भी नहीं हुआ, अब दोनों में एक तो जहर खाने का तैयार हो गया, मारपीट होता है। मैंने उनसे कहा त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाने कुतो मनुष्य। स्त्री तुमको स्वर्ग भी ले जा सकता है और नरक भी ले जा सकता है। देखो गोस्वामी जी का पता, जैसे प्रीति आराम से हुई, ये मांस मलातरा का तो पीछे पड़ रहा है। विवेक तुम खो गया, विवेक खो गया तुम्हारी, मोती मार गया। अरे तू तो मेरे लिए नाव भेज दिया, देखा तो मुर्दा। अरे आपने तो लस्सी रखा था ऊपर से, वो तो सांप था। मोती जब मर जाता है ना अच्छे अच्छों का, ये दुनिया नहीं रहता। अब ये जो लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी जो लड़ाई, यही तो है चीज कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए। अरे कितना जैसे आप संतुष्टि है। एक वचनामृत में ठाकुर का लिखा हुआ है कि सारे संसार का स्त्री एक आदमी के पास हो, सारे संसार का धन एक आदमी के पास हो, फिर भी कमी है। फिर मेरे गुरु भाई लिखते हैं कि मेरा मन नहीं भरता, तो उसने मन नहीं भरता तो उसने क्या किया कि उसने तीन लड़का था, तीन लड़का को उसके पास गया कि मैं बेटा तेरा जवानी मुझमें दे दे, तो बड़े वाले ने मना कर दिया, बीच वाले ने भी मना कर दिया, सबसे छोटे वाला पितृ भक्त था, चलो पिताजी मेरा जवानी तुम ले लो, तुम भोगो जितना भोग सकते हो। हाँ, तो उसने उसके पत्नी ने कहा मेरा ससुर ऐसे आपने पति मेरा पति का जवानी ले लिया, मैं अभी अवला हूँ, हो गया मतलब बुढ़ा हूँ, मेरा तो पति बुढ़ा है, बुढ़ा 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 जो है वो है मेरा पति। तो काम वासना से किसी का मन तृप्त नहीं होता है, धन से किसी का पैसा नहीं। आप देखो जितनी है जो माया है, चुना का जैसे जैसे दीवार में चुना लिपटन, ऐसे मैं हमेशा खूबसूरत रहूं। और जैसे नहीं कि बहुत से लोग ऐसी होती है बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, बाजार में देखेंगे इधर उधर झाकेंगे, मुझे देख ही नहीं जाए मैं कैसे कपड़े पहनाऊ, कितना सुंदर हूं। लोगों का यही है। तो मैंने एक भजन गा रखा हुआ है कि सुंदर ये रूप देख कर के भूला, धन यार जवानी के मद में ये फूला, एक दिन तो हंसा अकेले उड़ जाएगा, अरे मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, अरे मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हीरा जवाहरत माला तुम्हारी, अरे मखमल की गद्दी और रेशम के सारी, अरे हेट बोट सूट सब यही रह जाएगा, अरे मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। फिर एक प्रश्न वही घुमा करके पूछता हूँ कि जैसे कौरवों की मति मारी गई, सारे देश दुनिया की धन संपदा उनके पास थी, राज्य उनके पास था, परंतु ऐसी क्या मति मारी गई कि पांच गांव नहीं दे पाए, पांच गांव, समझ रहे मेरे, मतलब मैं मेरे भाव को समझिए प्रभु, कि ऐसी कैसी मति मारी जाती है कि पांच गांव, वो अपने रिश्तेदारों को मारने को तैयार हो गए, अपने भाइयों को मारने को तैयार हो गए पांच गांव के लिए। बिल्कुल सही कहा, गलत नहीं कहा। जब आदमी का मति मार जाता है, मति मार जाता है तो विवेक खो जाता है पहले तो, ठीक है। तो विवेक जब हो जाता है, महाभारत स्त्री के पीछे है, एक नमूना दिया है कि बदला का प्रतिज्ञा भगवान हर जगह में रक्षा किया, भीम ने कहा तेरे जंग करूंगा मैं, द्रौपदी का मेरे जंग में बैठाऊंगा, बाद में कितनी बुरी मौत मारे देखो इतने पूरे देश के राजा। हाँ, तो कहने का मतलब यह है, ये जो अहंकार है, धन अभी तक तुम लिख के दे सकते हो, मैं धन किसी का साथ नहीं जाएगा, ये जवानी नहीं जाएगा, है कि नहीं। और जो तुम्हारी भाती भाती जा गया तो मृत्यु मत करो,
भोग मत करो, स्त्री के साथ भोग नहीं होगा। अब वो महाराज नहीं किया, उसने दिया बाद में, उसने गुरु जी के पास चला गया, रोटी बन के रहता था हमेशा। तो उन दोनों भाई के शादी करो, आपने संपत्ति उन दोनों भाई को दे दिया और आपने आप संन्यास लिया, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया। उसे कहे ये सेवा कुछ नहीं है, ये मैं कहता हूँ जो इतना अरबपति आदमी है, हीरा का व्यापारी है, छोटे से बच्चा है 10-12 साल का, रिपोर्टर गया उसके सामने कि तुमको क्या भैया, उसने ऐसा ऐसा जवाब दिया कि अच्छा अच्छे ज्ञानी विद्वान जो सरदर्शनाचार्य आचार्य कहते हैं वो उसका सामने पीका पड़ गया, वो संन्यास ले लिया। दो बहन और भाई ऐसे, वो लोग दो बहन है दो भाई है, एक ही भाई रह गया घर में। तो कहने का मतलब उनका बहुत दिखाया लालच लोग, ऐसे बुद्ध भगवान को भी दिखाया, उसका जन्म कुंडली में ऐसे लिखा हुआ था, या तो चक्रपति बनेगा या तो ये बहुत बड़ा योगी बनेगा, यानी सन्यासी बनेगा, सन्यासी बना। उन्होंने तीन जगह देखा क्लेश, एक तो वृद्ध अवस्था, एक मृतक अवस्था। ये जब पूर्ण ज्ञान हो जाता आदमी इन चक्रों में बिल्कुल नहीं बढ़ते, ये सारा ये तो माया है, ना ही उसकी मत भ्रष होती है। आप विश्वामित्र को देखो, विश्वामित्र इतना चरम सीमा में पहुंचते हैं गायत्री का, लास्ट में उसको अपसराय ने गिरा दिया जी। तो स्त्री जो होता है तपस्या खत्म कर दिया तुम्हारी। अच्छा आज मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप बहुत गज गए, मैं एक छोटा सा किचक बता देता हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये हमारे लिए है आपके लिए नहीं है। तो आरती करेंगे आप, जलाओ आरती, जला लो जला लो भाई। तो मैं आपसे यही कहता हूँ, हमारे लिए भैया गास्टअप कर गीता जब पढ़ना आप, विवेक आप बन जाएगा। तो एक गुरु जी शिष्य था, उसने कहा मेरे लिए तो भिक्षा करके ला। तो गए भिक्षा करके गए, तो भिक्षा करने जाने के बाद जो है उसने जीवन में शादी नहीं देखा, शादी क्या होता है, स्त्री क्या होता है, पुरुष क्या होता है जी नहीं देखा। तब उन्होंने देखा क्या जानते हैं आप, उसने ये देखा कि गया तो ये ढोल बजाओ लेकर स्त्री पुरुष का शादी जा रहा है। तो जब जाते समय देखा, उसने वहाँ किसानों को पूछा महाराज ये क्या है, तो मेरा शादी है, वो शादी कैसी है, देखा ही जब नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं है जी। तो उसने नीम का पेड़ था, एक कुआ था, पहले जमाना में वो एक बैल को घुमा घुमा के जो पानी से पानी निकालते रेड सिस्टम था, वहाँ भी मुझे गए, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, बोले शादी है महाराज एक लड़की से, बोले कैसे लड़की, बोले कैसे लड़का घोड़े में से कैसे जा रहा है, बोले इसका शादी होगा। तो किशन ने समझ गया कि भाई ये अनजान है, जानकारी नहीं है इसकी जी। अरे तुम वही तो नहीं हो महाराज का चला, जो कि जन्म होते तेरे माँ ने तो उसको दान दिया, हाँ। जंगल में रहे, बोले हाँ 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 मैं वही हूँ जी। ओहो इसको तभी इसका ज्ञान नहीं है, तो अभी इसका साथ सहवास करेंगे, बच्चा होगा, और ऐसे करके उन्होंने चला गया, बात खत्म कर दिया। तो उन्होंने ऐसे किया, उसने रोटी राटी खा के कुआ में जो है एक पटरी था वहीं सो गए, नींद आया, नीम के पेड़ था, ठंडी ठंडी हवा चल रहा था, उसके नींद आ गया। नींद आने के बाद उसका शादी हो गई, और नींद में शादी होने के बाद एक बच्चा भी हुआ, बच्चा भी होने के बाद जो है घरवाली ने कहा तो हाट के सोचा भाई बच्चा दबेगा, जब हाट के सोचा तो कुआ में गिर गया। अच्छा तो उसको निकाला, बोले कैसे कैसे कर सपने के घरवाली अगर कुआ में मुझे गिरा सकता है तो असली क्या, असली घरवाली कहाँ गिराएंगे, गिर गए ना, मतलब जन्म खराब हो गया, विवेकहीन हो गया, बुद्धि खराब हो गया। ये वैराग्य देने के लिए सन्यासी के लिए माँ है, अगर सन्यासी कोई शादी करता है ऐसे करता है तो ऐसे ही कुआ में भावुकूप एक कहते भावुकूप जी। संसार में जो वस्तु आदमी इस संसार में रहता है इसलिए सत्संग का जरूरी होता है, विवेक मर जाता है, पहले बुद्धि मर जाता है, उसके बाद विवेक मर जाता है, फिर उसका विचार बंद हो जाता है, फिर वो आनाप शनाप करने लगता है कि मैं इस संपत्ति से सुखी हो जाऊंगा, नहीं हो सकता सत्संग, इसलिए सत्संग होना जरूरी होता है। हमारे ऋषि मुनि लोग के पास क्यों आता है, आप बता दो, एक अरबपति खरबपति है, उनका रात दिन यही चिंतन होता है कि इस पैसा को कहाँ लगाऊंगा, ये सोना है सरकार से कैसे बचाऊंगा, और इसका सही संपत्ति देखाऊंगा, अभी मेरे पास है आपका ट्रस्ट होना है, वो नहीं किया, मैंने क्या करना ट्रस्ट, अभी तो मैं हूँ है कि नहीं भाई, भगवान का भक्ति हो रहा है, इसे लगने में नहीं पड़ता हूँ मैं है कि नहीं, फिर पैसा आएगा, पैसा का फिर चेकिंग होगा, ऑडिट होगा, ट्रस्ट बनाएगा कि मेरे को भी लगना ट्रस्ट में, क्योंकि सरकार का चोरी करना, उसे ट्रस्ट बनाना है सरकार के चोरी करना, भाई मैं इतना तैयार लगाया, मैं इतना लगाया, मेरा टैक्स फ्री हो, ये फ्री हो, ये फ्री हो, ये होता है संसार में। तब कलयुग में छल कपट झूठ ज्यादा होगा धन के पीछे,
धन के बीच खाते वो चार रोटी, जाते सब मर जाएंगे ना तो सब छोड़ चले जाते हैं। कहीं मेरा लड़का, तेरा लड़का कहाँ से आया, तेरा लड़का कहाँ से आया, तू तो कितने बार इसके लड़का बना। ये संसार माया है, माया माया, इसी में आप भगवत भक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए सुखदेव जन्म होते ही भागा जी। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, अब संसार करो। कहे नहीं मैं संसार कैसे करूँ, हाँ उसे संसार क्या करना, नंगा धिरंगा चला गया। तो संसार में आप सुखी नहीं मिलेगा किसी को। अरबपति होकर धन मिलने, धन होने से बात सुखी नहीं, वो हमेशा डर रहता है उसका कि मुझे सरकार खा लेगा, सरकार ले लेगा, दूसरा ले लेगा, कहाँ रहूँगा, आज आया आज खाया काले या खाया जैसे चिड़िया। तो मेन चीज ये है संसार में आप विवेक, जब विवेक और बुद्धि, ये जो दो चीज है, बुद्धि पहले खराब होता है, विवेक मर जाता है और उल्टे सीधे काम करना, और समय इसी में खो देता है। जवानी चला गया, भलापन गया, वृद्ध गया, फिर यमराज जब लेने आया रस्सी पकड़ लिया तो देखा, तब मृत्यु का सही है, पर जब देखते तब उनका पाप पूर्ण पूरा लिस्ट आता है सामने। अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, तब रोते रोते हैं, मैंने इन्हीं के लिए जिंदगी, ये तो मेरा साथ में कोई नहीं हो रहा है साथ। ये जीवन है मनुष्य का, इसलिए सत्संग जरूरी होता है। हाँ अच्छा काम करो, परोपकार करो, गरीब की सेवा करो, पुण्य करो, दान करो, पुण्य करो, भगवान के भजन करो, यही तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाने वाला सर। जी प्रभु, आरती करते हैं। और आज आज का ये विषय मैंने इसलिए छेड़ा प्रभु कि मैं अनेकों अनेक किस्से ऐसे आज के समय देख चुका हूं, इसलिए मैंने कौरवों का उदाहरण दिया कि जिनके पास पूरे राष्ट्र की धन संपदा थी वो पांच गांव नहीं ले पाया, अपने भाइयों का सब छीन रहे थे, माँ का सबका छीन रहे थे। आज के समय हर घर में लगभग ऐसा ये कहानियां चल रही हैं, हर घर में चल रही हैं। बड़ी युग में सब ऐसी है, घर का लोभी। हर हर महादेव, जय गंगा मैया जी, जय दुर्गा मैया जी। 12 मूर्तियां आ गई हैं मित्रों स्वामी जी के आश्रम के लिए, सभी इस गाड़ी में हैं। वाह प्रभु, थोड़ा सा प्रभु, धन्यवाद। वाह, मूर्तियों का प्रसाद अभी से देखिए पहले ही मिल गया, अभी तो गाड़ी सड़क पे ही खड़ी है। जय मेरे शंभु। मित्रों ये जो आप खेती देख रहे हैं ये है अरबी, और ये पत्ते जो आप देख रहे हैं ये इससे भी दो गुने और कभी कभी तीन गुने भी बड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, मुझे भिंडी दिखाई दी, इतनी इतनी बड़ी भिंडी, और छोटी हैं, और ये पूरा भिंडी का 6 फीट से ज़्यादा का पौधा हो गया है। महादेव, मूर्तियां आ गई हैं, उतर रही हैं। महादेव, ये 12 मूर्तियां आ गई हैं, वैसे 13 मूर्तियां हैं, ये एक गांव के लिए है, 12 यहाँ के लिए हैं स्वामी जी के आश्रम के लिए। एक भोलेनाथ की मूर्ति यहाँ पर है लगेगी, नव दुर्गा की यानी कि नव दुर्गा की, और 2 भैरव जी की, एक भैरव जी की यहाँ लगेगी, एक वहां लगेगी। और मुझे बताकर बड़ा हर्ष हो रहा है कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी भाई बहनों ने महाराज जी को इस सेवा कार्य के लिए 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा आपने सेवा भेजी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी भाई बहनों को, बधाइयां आप सभी भाई बहनों को। महादेव, हो सकता है 2 लाख के आसपास भी वो पहुँच गई हो, मैं महाराज जी से ज़्यादा पूछता नहीं हूँ, वो स्वयं ही बता देते हैं। महादेव शंभु कैलाशपति, तारीख को मूर्तियां लगेंगी, मूर्ति लगेगी आपका पहले नवरात्र को, सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी, उस दिन मूर्तियां लगेंगी। हाँ। अच्छा हाँ। आसन बनेगा अभी तो इनका पहले का। पहले आसन बनेगा, चलिए उसके बाद समझ लो कि आसन देख के फिर मूर्ति का माप लिया जाएगा जी, कौन मूर्ति बैठेगा जी जी, फिर उनका नाला जो है पान प्रतिष्ठा होगा, पूजा होगी, उसके बाद उसके निशाना लगेगा कहाँ कौन मूर्ति आएगी। हाँ। वही हिसाब से उसको स्थान दिया जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो प्रभु जी, आपका ये बड़ा बड़ा कार्य हो रहा है। हाँ।
और भाई बहनों ने जो देख रहे हैं उन्होंने भी सेवा भेजी, उनको भी आशीर्वाद दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो आए पहले हक उन्हीं का है। जी, उन्होंने हमारे मनोबल बढ़ाया, तनोबल बढ़ाया। जी 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 प्रभु, सब कुछ बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया और और बीच में साथ में मैं एक माध्यम बना, कड़ी बना, सेवक बना। ये सेवा आप भाई बहनों की सेवा महाराज जी तक पहुंची मूर्तियों के लिए, इस बीच में मैं एक सेवक बना, ये स्वामी जी की कृपा है, माँ बाबा की कृपा है मुझ पर। हर हर महादेव, महादेव, जय गंगा मैया जी, शंभो कैलाश कैलाश कैलाश।